हले हले बोलो साधो सतनाम सतगुरु अमर अखिल भारतीय संत श्रोमणी सदगुरु रविदास मिशन जिनके संस्थापक सदगुरु समनदास जी महाराज है इस दास की दंडवत वंदना है सदगुरु महाराज स्वीकार करें। और आज डेरा फरकपुर के अंदर सदगुरु महाराज जी का सालाना संत समागम हो रहा है तो सभी आई साध संगत को सदगुरु महाराज के इस भव्य प्रोग्राम की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो सदगुरु महाराज की प्यारी साध संगत का कारवां चल रहा है इस समाज के अंदर जन्मे सभी संतों और गुरु रहमों ने अपने जीवन का था संसार इस संसार समाज को दिया है। हम बात करते हैं गुरु रविदास जी महाराज के विचारों की, क्योंकि संतों ने संसार के अंदर सभी अच्छी बातों को दर्शा दिया गया है लेकिन बस उनके ऊपर अमल करना बाकी रह गया है। क्योंकि कहा है कि अमल करे सो ही पावे बिन समझे क्या गावे जैसे इसराही लिए हाथ में पल पल दरस करावे औरो आगे करे चांदना आप अंधेरा पावे। सतगुरु वचन दीपक है जो संग लेकर चले साथी जगत अंधेरी कोठरी कभी ना भटकत पाती। जो लोग संसार के अंदर गुरु रूप दीपक को अपने संग लेकर चलते हैं संसार में वो कहीं भी चले जाएं उन्हें कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत शिक्षा का जो दीप संतों ने महापुरुषों ने जगाया है वो दीप सदा ही ऐसे चलना चाहिए क्योंकि इस भारत सरकार की उपक्रम नीति को देख लीजिए कि समाज की शिक्षा को कैसे खत्म किया जा रहा है लेकिन जब तक शिक्षा का ये कारवां हम अपने हाथों में नहीं लेंगे तब तक समाज में जन्मे वो बच्चे उस शिक्षा को कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा तो इस मंच के माध्यम से यही इस सभी साध संगत से आग्रह है कि जो इस शिक्षा का कार्यक्रम है उस नीति को अपनाने की कोशिश करें क्योंकि शिक्षा क्या चीज है। शिक्षा हमें अच्छाई और बुराई का ज्ञान कराती है। जो लोग बुरे को बुरा ना कह सके और अच्छे को अच्छा ना कह सके वो लोग शिक्षा से सदा दूर रहते हैं। इसलिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि शिक्षा क्या चीज है। आज इस संसार के अंदर सतगुरु समनदास जी महाराज ने
घर घर जाकर जीवों को जगाया और सत्संग के माध्यम से आज हम उन्हीं की कृपा दया से यहाँ पर बैठे हैं। और आने वाली 3 जून को गुरु गद्दी शुभ करताल धाम और 3 जून को दादा गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के जो सत्संग है ऊन के अंदर भी होगा, तो सभी साध संगत ज्यादा से ज्यादा में पहुंचने की कृपा करें। तो संत महापुरुष क्या दर्शाते हैं कैसे सतगुरु याद तुही उस जगह को सदा नरक समान कहो जहां जीने का अंदाज नहीं, परिवार की शोभा फीकी है जहां पिता के सर पे ताज नहीं, उस तन की कौन बड़ाई करे जिस तन से हुआ शुभ काज नहीं, वो नारी निंदा के योग्य है जिसकी नैनों में लाज नहीं।
ऐसे लगी मन सूर को जैसे समझ कर देख ले ऐसे लगी मन सूर को जैसे समझ कर देख ले ऐसे भले गलत बीच में जैसे खलाना हो तो ऐसा हो गुरु के चरणों में मन को लगाना हो तो ऐसा हो लगाना हो तो ऐसा हो लगाना हो तो ऐसा हो गुरु के चरणों में मन को लगाना हो तो ऐसा हो गुरु के चरणों में मन को लगाना हो तो ऐसा हो पाना है परम पद को छोड़ दे माया मोह धन को जो पाना है परम पद को छोड़ दे माया मोह धन को जो पाना है परम पद को छोड़ दे माया मोह धन को कही रवि दास इस मन को झुकाना हो तो ऐसा जय स्वामी समंदास जी महाराज की जय हो आज के महान सत्संग की जय हो अपने माता पिता की जय हो बाबा साहेब अमर सतनाम सतगुरु और देखिए सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत गुरु रविदास अमर ज्योति आश्रम हथनी कुंड बैराज ग्राम फैजाबाद जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सुजरने से हर महीने के तीसरे रविवार को दिन में सत्संग भंडारे का आयोजन होता है पीलिया पत्री दोरा इन तीनों की फ्री दुआई दी जाती है और आश्रम पर ही अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम भी होता है और संत शिरोमणि गुरु रविदास पब्लिक स्कूल ग्राम फैजाबाद
मैं जल्द ही सतगुरु महाराज के नाम से एक स्कूल की स्थापना बहुत ही जल्द शुरू होने जा रही है। तो सभी साध संगत से नम्र निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अपने अच्छे भाव के आहुति डाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय गुरु रविदास, जय गुरु सुमंगला। बोले सोनर पैसन श्रवण रविदास जी महाराज की। आप सभी रविदास उस क्लिप की तरफ देखिए थोड़ी देर, जो एलईडी वाल लगी है।